Morning students, today we will discuss the chemical properties of adiabatic ketones. In the previous lecture we discussed the methods of preparation of aldehyde ketones, either aliphatic or aromatic. Now we discuss the chemical properties of aldehyde ketones. First properties: reaction with ammonia, that's the aldehyde. CH3CHO means that's the aldehyde CH2. Okay. And aldehyde is reacted with ammonia. This one, water, is a water liquid jayega, ek ammonia. Addition product ya attract ban jayega, H2 nikal gaya yahan se. Is bolte hain acetaldehyde imine group banta hai yahan. Imine group kya hota hai? Double bond ke sath N. That is a imine. Is tarike se acid bond le CH3CH3CO. Ammonia ke sath reaction karaye, isi tarah ye bhi imine. Imine of acetone. ये acetone का imine है. Acetone या propanone बात में ये acetaldehyde या ethanol उनकी बात है. Reaction with amine. Amine क्या होती है? RNH2. RNH2 is the amine. Okay. RNH2 के साथ ये करेंगे acetaldehyde CH3COH. Means CH2 निकल जाएगा से CH3C double bond NH. Shift base क्या है? अगर इमीन ग्रुप के साथ कोई एल्काइल ग्रुप भी अटैच है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट बेस. ओके, तो यहां जितनी रिएक्शन पड़ रहा है इसमें ब्रेकेज ऑफ सीओ बॉन्ड बॉन्ड हो रहा है. सीओ बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है. यहां पे ब्रेकेज सी डबल बॉन्ड होगा, यहां पर इस एसीटोन के साथ करें सेम, इस तरीके से ये शिफ्ट बेस बन जाएगा. नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमिन. अब यहां से जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जितनी भी रिएक्शन है सब अमोनिया के डेरिवेटिव से होती है. अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमोनिया क्या होता है? NH3. मींस इस H को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप कराते हैं, जैसे NH2OH, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन. NH2OH मींस एक H रिप्लेस करके हमने क्या लगाया? OH, हाइड्रोक्सिल एमीन. सिमिलर सेम रिएक्शन में CH3 डबल बॉन्ड OH, H2 यहां से निकल गया, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH के सिमिलर एसिटाइल ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स बन जाएंगे. एसीटोन के एसिटाइड के साथ एसिटाइड ऑक्सीन्स, एसीटोन के साथ एसीटोन ऑक्सीन्स, सेम वाटर यहां से निकलेगा, दैट इज एसिड ऑक्सीन्स. नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द फॉर्मूला ऑफ NH2NH2, दैट इज द NH2NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. वाटर यहां से इस तरीके से निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड ऐसे रहा, NNH2 means acetaldehyde hydrazone. Hydrazine से क्या बना? Hydrazone. Hydrazine का formula क्या बना? NH2.NH2. इससे क्या बना? Hydrazone. ऐसे acetone के साथ acetone hydrazone. Next, reaction में phenyl hydrazine. It means hydrazine में से एक H घटाकर phenyl group लगा दिया. Phenyl means C6H5. It means C6H5 लगा दिया. Similar acetaldehyde H2 भी जैसे निकला और सेम रिएक्शन CH3H डबल बॉन्ड NH CH6H5. ओके, देयर इज अ फिनाइल हाइड्रोजन. ऐसे एसीटोन के साथ रिएक्शन, एसीटोन ये, ठीक है. नेक्स्ट, रिएक्शन में 2,4-DNP डायनाइट्राइल हाइड्रोजन, दैट इज DNP, नॉट फॉर BNP, डायनाइट्राइल हाइड्रोजन 2,4-DNP. सो ओके, 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन, ये फार्मूला होगा फिनाइल हाइड्रोजन का. इस फिनाइल हाइड्रोजन में 2 पर और 4 पर अगर हम नाइट्रो लगा दें, NO2, दैट इज 2,4-DNP. इसमें से एल्डिहाइड वाटर निकल गया और ये पूरा इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है. हाइड्रोजन बन जाएगा 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड. सिमिलरली 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन. ओके, ये व्यक्ति है एसीटोन के साथ रिएक्शन. नेक्स्ट, रिएक्शन इज सेमी कार्बोजाइड. सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NHCOH, मींस NH2 में से एक एच हटाकर COH बना. इससे इस तरीके से वाटर यहां से निकल गया, CH3H C डबल बॉन्ड NH2. इसी तरीके से एसीटोन के साथ सेम रिएक्शन. तो सेमी कार्बोजाइड के साथ सेमी कार्बोजोन, यानी सेमी कार्बोजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड. नेक्स्ट, रिएक्शन विद
CH3CHO ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उनकी तरफ माइनस आ जाएगा सी का पॉजिटिव HCl में एक्स पर पॉजिटिव CN पर नेगेटिव तो नेगेटिव इस पर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव तो बन गया CH3HOCl दैट इज साइनोहाइड्रिन एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एस मैंने नेम ये लिखा है इसका एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसकी डबल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN फिर क्या आएगा सी डबल एच दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड एक ही कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है एच ओ एच सी डबल एच सी एस दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन तो काइरल कार्बोनेट नाउ सिमिलरली सी एस पी सी ओ सी एस पी एस सी एन के साथ करें यहाँ पर भी ओ एस सी एन आ जाएगा और इस जगह क्या बन जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ रिएक्शन विद एल्कोहल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सी एस पी सी एच ओ प्लस आर डैश ओ एच सिमिलरली माइनस चार्ज आ जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर प्लस चार्ज आ जाएगा इधर माइनस इस तरीके से बन जाएगा हेमी कीटर एंड नेक्स्ट इज द कंप्लीट कीटर ओके डिसॉल्व ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडेलियन ग्रुप्स स्टूडेंट्स कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अभी रह गई हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो हमने डिस्कस करी ज्यादातर प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसमें हम देख रहे थे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ का ब्रेकेज हो रहा था डबल बॉन्ड का ब्रेकेज से डायरेक्ट वाटर एलिमिनेशन यानी एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर यहां तक हमने जो पढ़े रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 सेवन में जितनी रिएक्शन थी होगी एडिशन ऑफ एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर लेकिन यहां से रिएक्शन नंबर 8 9 अगर आप देखें तो इसमें एडिशन हुआ है लेकिन वाटर का एलिमिनेशन नहीं हुआ है ठीक है ये दूसरी कैटेगरी स्टार्ट ओके ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू